नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामु अलैकुम, नई सुबह के ऑडियो प्रोडक्शन के कोर्स के साथ मैं हूं अली खान तरीन। और इस लेसन में हम बात करेंगे कि कैसे एक ऑडियो से दूसरी ऑडियो में कट, कॉपी और पेस्ट किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी, गोल्ड वेव, एंटर। गोल्ड वेव, गोल्ड वेव, गोल्ड वेव, देयर इज नो ओपन फाइल मोड। सबसे पहले हमने गोल्ड वेव को ओपन किया और अब हम इसमें कम से कम दो फाइल ब्राउज कर लेंगे। ओपन साउंड डायलॉग फाइल फोर चैप्टर 1/2/20/enter 0% 60% ये मैं गोल्ड वेव देयर इज नो जमात के उर्दू की किताब का चैप्टर 1 इसमें ब्राउज कर रहा हूं। और इसी तरह हम चैप्टर 2 भी ब्राउज कर लेते हैं। ओपन साउंड फोर chapter 2/5/0% gold wave, the open file is chapter 2.mp3। so इस तरह हमने अपने gold wave में दो फाइलें ब्राउज कर ली। इसको हम चेक करेंगे insert tab से ताकि हमें फाइल का टाइटल पता चल जाए। the open file is chapter 2.mp3। so इस वक्त currently window focus कर रही है chapter 2 पे। control और tab press करते हैं ताकि हम chapter 1 की तरफ move कर सकें। The open file is chapter 1.mp3। इस फाइल को मैं प्ले करूंगा F4 से और हम देखते हैं कि हमें इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हम कॉपी करके दूसरी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं या कट करके इस फाइल से दूसरी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। F4 प्रेस करता हूं मैं। Play 3 button। नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी में खुशामदीद। 11वीं जमात के तलबा के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तैयार करदा गुलजार उर्दू पेश है। 36 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब को आपके लिए पढ़ा नादिया सलीम ने। नई सुबह की ये पेशकश पब्लिक डोमेन में है। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। यहाँ पे हमने फाइल को पॉज किया और आपने देखा कि ये चैप्टर 1 है जिसमें एक इंट्रो लगा हुआ है और इंट्रो के साथ फिर चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर 2 को चेक कर लेते हैं। The open file is chapter 2. Play 3 button। 145 हिजरी यानी जब तक तो आपने देखा कि जब हमने चैप्टर 2 या बाब 2 हमने प्ले किया तो वो बगैर इंट्रो के है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जो इंट्रो फाइल 1 में चैप्टर 1 में मौजूद है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस फाइल में पेस्ट करेंगे। तो वापस आते हैं उस फाइल पे। The open file is chapter 1.mp3। और अब हम कर्सर को फाइल के शुरू में ले जाते हैं ताकि फाइल दोबारा से प्ले हो सके, क्योंकि जब हम फाइल दोबारा प्ले करते हैं तो कर्सर भी फाइल प्ले होने के साथ साथ मूव करता है। The cursor moved the start marker location. The start marker is set at 0 seconds. तो स्टार्ट मार्कर इस वक्त 0 सेकंड पे है और अब कर्सर भी 0 सेकंड पे चला गया है। तो हम फाइल को प्ले करते हैं। Play 3 button। नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी में खुशामदीद। 11वीं जमात के तलबा के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की तैयार करदा गुलजार उर्दू पेश है। 36 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब को आपके लिए पढ़ा नादिया सलीम ने। नई सुबह की ये पेशकश पब्लिक डोमेन में है। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org।
pause playback. जैसे म्यूजिक खत्म हुआ हमने पॉज कर दिया F7 से और हम स्पेस से भी इसको पॉज कर सकते हैं। तो हम कर्सर की पोजीशन देख लेते हैं कि कर्सर कहां पर है। The cursor is at 47.420 seconds. So, कर्सर इस वक्त 47.420 seconds पर मौजूद है जहां पे म्यूजिक खत्म हो रहा है। The finish marker is set at 48.140 seconds. यहां पे हमने फिनिश मार्कर लगा लिया। तो हम करेंगे ये कि ये वाला म्यूजिक या इंट्रो हम यहां से कॉपी करेंगे और दूसरी वाली फाइल में पेस्ट कर देंगे। सो कॉपी के लिए वही कमांड है जो स्टैंडर्ड कमांड होती है, कंट्रोल सी। कॉपी सिलेक्टेड साउंड टू क्लिपबोर्ड। तो यहां से हमने कॉपी किया और अब हम वापस जाएंगे फाइल 2 पे। The open file is chapter 2.mp3. यहां पे आके हम इस इंट्रो को जो हमने कॉपी किया है पेस्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट मार्कर की पोजीशन पे पेस्ट कर सकते हैं, हम इसको फिनिश मार्कर की पोजीशन पे भी पेस्ट कर सकते हैं, हम इसको फाइल के शुरू में भी पेस्ट कर सकते हैं और हम इसको फाइल के एंड में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये इंट्रो है तो हम इसको फाइल के शुरू में पेस्ट करेंगे और उसके लिए हमें कर्सर को सबसे पहले फाइल के शुरू में लेके जाना है। The cursor moved to start marker location. The start marker is set at 0 seconds. तो कर्सर स्टार्ट मार्कर पर चले गए हैं और स्टार्ट मार्कर भी 0 सेकंड पे है क्योंकि जब हमने फाइल प्ले की थी तो मार्कर्स को हमने नहीं डिस्टर्ब किया था। स्टार्ट मार्कर चेक करने की कमांड Alt Shift और S है। हम अपनी तसल्ली के लिए फिर भी एक दफा देख लेते हैं। The start marker is set at 0 seconds. ठीक है, तो स्टार्ट मार्कर 0 सेकंड पे है तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं। Sound pasted at start marker location. और अब हम देखते हैं फाइल को चला के। Play 3 button. नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी में खुशामदीद। 11वीं जमात के तलबा के लिए सिंटेक्स बुक बोर्ड की तैयार करदा गुलजार उर्दू पेश है। 36 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब को आपके लिए पढ़ा नादिया सलीम ने। नई सुबह की ये पेशकश पब्लिक डोमेन में है। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। तो आपने देखा कि हमने इस फाइल के शुरू में इंट्रो पेस्ट कर दिया और जैसे ही इंट्रो ख़त्म हुआ तो उसके बाद बाब दो शुरू हो गया। इसी तरह अगर हम चाहें तो सेलेक्ट की हुई ऑडियो को जो कि क्लिप बोर्ड में जो हमारे पास मौजूद होती है उसको हम फाइल के शुरू में या एंड में या स्टार्ट और फिनिश मार्कर के लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से इस ऑडियो को कट करके फाइल के एंड में पेस्ट करते हैं। फाइल को दोबारा से चलाते हैं। नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी में खुशामदीद। 11वीं जमात के तलबा के लिए सिंटेक्स बुक बोर्ड की तैयार करदा गुलजार उर्दू पेश है। 36 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब को आपके लिए पढ़ा नादिया सलीम ने। नई सुबह की ये पेशकश पब्लिक डोमेन में है। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। यहाँ पे हमने फिनिश मार्कर लगा लिया तो हम इस फाइल को कट करेंगे cut selected sound to clipboard. और हम इस सिलेक्टेड ऑडियो को फाइल के एंड में पेस्ट करेंगे जिसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। साउंड पेस्टेड टू एंड ऑफ फाइल। और आपने देखा कि ऑडियो पेस्ट हो गई फाइल के एंड में। इसी तरह हम फाइल्स को कट कॉपी और पेस्ट करके एक ऑडियो से दूसरी ऑडियो में ऐड कर सकते हैं और ना सिर्फ ये बल्कि फाइल के बारीक हिस्सों को भी कट कॉपी पेस्ट करके और प्रीव्यू लेके बहुत आसानी के साथ
हम कोल्ड वेव की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन अपने अख्ताम पे पहुंचा। अगले लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।